हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले इस तरीके का डिज़ाइन जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है एंड बहुत ही कम टाइम में बन जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फॉर टाइम। ये देखिए, तो हमने ये चेन लेके और ऑलरेडी सारे डबल क्रोशे बना लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे पैटर्न बताते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से तीन चेन लेंगे और फिर दो डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर यहाँ से हम एक दो तीन चेन लेंगे और एक दो तीन डबल क्रोशे स्किप करके चौथे में हम इस तरीके से डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरीके से हम डबल क्रोशे बनाएंगे, सेम जगह से हम तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, और फिर हम यहाँ पे एक चेन लेके तीन डबल क्रोशे सेम जगह से बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारी इस तरीके से आई है। और फिर हम तीन चेन लेंगे और एक दो तीन स्किप करके चौथे में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर तीन चेन लेंगे और फिर एक दो तीन स्किप करके चौथे में हम इस तरीके से जैसे हमने सेम जगह से वहाँ पे बनाया है सेम जगह से तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर सेम जगह से तीन डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर हम तीन चेन लेंगे और एक दो तीन स्किप करके चौथे में हम डबल क्रोशे बना देंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी पैटर्न आ रही है। इसी तरीके से सेम प्रोसेस हम ऊपर वाली रो में इसी तरीके से बनाते हो जाएंगे। तो हम आपको दो रो बना के दिखाते हैं। ये डिज़ाइन बिल्कुल ही ऐसी जाएगी। हम तीन डबल क्रोशिया पे तीन डबल क्रोशिया एंड यहाँ पे हम जो हमने एक चेन ली है इसी में हम तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन लेंगे और सेम जगह से तीन डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। तो हम आपको इसी तरीके से दो रो और बना के दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये पैटर्न कुछ इस तरीके से आया है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें लाइक करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।